खबर काला ढूंगी से है, जहां वन्य जीवों के हमले से ग्रामीणों को निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के कोटा बाग देचोरी रेंज के ग्राम सभा नाथूजाला दोहनिया और माया रामपुर के ग्रामीणों को गुलदार के आतंक समस्या को देखते हुए क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा रखवाया गया। वहीं देचोरी रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी ललित मोहन जोशी ने बताया कि ग्रामीणों ने बताया है कि जंगल से आसपास के घरों में गुलदार मूवमेंट हो रहा है और वह पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना रहा है। वहीं उन्होंने कई बड़ी घटना होने की आशंका जताते हुए गुलदार के आतंक से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की थी। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लिया। वहीं ग्रामीणों को गुलदार भगाने के लिए आवाज वाले पटाखे दिए और जंगल से लगी ग्रामीण सीमा में पिंजरा सहित कई स्थानों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। ग्रामीणों से हम लोग लगातार वार्ता करते रहते हैं और इस बीच ग्रामीणों के साथ हमारे द्वारा मीटिंग भी की गई थी और ग्रामीणों की डिमांड के ऊपर जो उन्होंने चाहा कि टीम लगातार गश्त करे, तो वो टीम हमारी जो है उनके निवेदन पर जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ पर टीम हमारी हर समय मौजूद रहती है और उसका सायकालीन चाहे रात्रिकालीन स्टे भी जो है वो गाँव के बीच में ही रहता है।